सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं धारा देसी पत्रकार करमू। इस टाइम उड्डा की परिवर्तन महारैली जो रोहतक मौरिया उड़े बैठे हैं भाई, चौकी भीड़ हो रही, दिखा दो एक बार दृश्य, चौकरता किसी ने दिखा दो, ठाक एटी ठाक दिखाते एक बार बड़ा। इस टाइम कुलदीप शर्मा मंच से बोल रहे हैं, मंच के भी दिखा दे, मंच के सीन और दिखा दो, मंच के, मंच पर देखो भाई दीपेंद्र उड्डा भूपेंद्र उड्डा और उसके, मंच के दिखा दो एक बार। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, मंच के सीन दिखाओ एक बार, मंच के देखो भाई। हाँ इस टाइम तो हम देखने लग रहे हो भाई, मंच पे उड्डा खेमे गए, जितने भी दिग्गज हैं वो जुट रहे हैं। उड्डा को भीड़ मास्टर के रूप में माना जावे है। उड्डा ने अपना एक किस्म तनु समझ लो एक शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया, चाहे तो अध्यक्षी दो और नहीं तो पार्टी अलग बनेगी। समर्थक मेरे चुकड़ते बैठे हैं, यह वाडी है जो खाली हो आकर, लेकिन भीड़ ज्यादा थी, सारी डी भर रही है। एक बार तो सारे के सारे मार्गदर्शक ने राम राम कर दो, राम राम कर दो, तेज हम तो राम राम। बारी बारी तो बात करांगे भाई, करता है भाई, क्या नाम है? गोवाड़े हल्के दा भाई। अच्छा भाई, अमरीश नाम से। और आड़े डी में बैठना अलाउड कोने होता भाई, डी में बैठे भाई ये उड्डा साहब कर रहा है, इसमें कितने बैठ सके? हाँ जी करमू भाई, आप लोगों ने और हमने सभी ने चौधरी देवीलाल का शासन देखा, उसके बाद चौधरी भजनलाल का शासन देखा, उसके बाद चौधरी बंसीलाल का शासन देखा, और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शासन देखा, और उसके बाद 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन देखा, जिन्होंने 36 राजरी के लोगों को एक सूत्र में प्रो करके हरियाणा प्रदेश में जो विकास रूपी गंगा बहाई थी, आज ये उसी का परिणाम है जिसमें एक आह्वान पर लाखों लाखों की तादाद में लोग यहाँ रोहतक रैली में। पार्टी अलग बनेगी, अगवाई अध्यक्ष मिलेगी, हम तो हुड्डा साहब के साथ है, पार्टी अलग बनाओ चाहे अध्यक्ष बनाओ, हम उनके संघर्ष के साथी हैं, चाहे पार्टी अलग बनाओ चाहे पार्टी में रहो। जो काम हुड्डा साहब ने अपने राज में कराया है, कोई भी मुख्यमंत्री इतने विकास के काम नहीं कर सकता।